यार पापा, दिव्य प्रकाश दुबे के अनुसार वो कहते हैं, हर शहर अपनी एक रफ्तार के साथ खुलता है। दिल्ली में सुबह टहलने वाले अभी घर लौट रहे होते हैं कि ये शहर कुछ लोगों के लिए भागने लगता है, या यूं कहें कि कुछ लोग अपनी रफ्तार से दिल्ली को भगाने लगते हैं। रोज़ सुबह सूरज के उगने से थोड़ा सा पहले लॉन टेनिस के कोर्ट में एक आदमी के पहुंचने के समय से घड़ी मिलाई जा सकती है। ये आदमी है मनोज सालवे। उम्र के साथ साथ उसका खेल बेहतर होता जा रहा है। कहते हैं कि पुरानी शराब, पुराना डॉक्टर और पुराना वकील, इन तीनों पर हमेशा भरोसा करना चाहिए। पता नहीं ये कहावत है भी या नहीं, अगर नहीं भी है तो कई नई कहावत मानकर कुछ बातों पर भरोसा किया जा सकता है। हर उस बात पर भरोसा किया जाना चाहिए जो भरोसा करने लायक सुनाई पड़ती है। मनोज सालवे ऐसी ही ना जाने कितनी ही नई बातें अपने केस के रेफरेंस में कह दिया करता था। वह अपनी उम्र के 50वें साल में सबसे ज़्यादा फिट था। रात को चाहे 2 बजे सोया हो, वह सुबह का टेनिस मिस नहीं करना चाहता था। सुबह 8 बजे वह ऑफिस में होता। उसको चीज़ें जल्दी शुरू करके जल्दी खत्म करने की आदत थी। दिल्ली के हाई कोर्ट में आज देश की एक बड़ी विदेशी टेलीकॉम कंपनी पर लेकिन 5,000 करोड़ की पेनल्टी का फैसला आना था। टेलीकॉम कंपनी की हार लगभग तय बताई जा रही थी। 9:30 बजे से शेयर मार्केट में कंपनी के शेयर लगातार लुढ़क रहे थे। मनोज सालवे की कार जैसे ही कोर्ट के बाहर आई, पूरा मीडिया उस पर टूट पड़ा। क्या आज आप अपने कैरियर का पहला केस हारने वाले हैं? क्या लगता है क्या फैसला आएगा? आपने ऐसा हारा हुआ केस लिया ही क्यों? उस दिन उसके चेहरे पर चिर परिचित मुस्कुराहट नहीं थी। मनोज सालवे बिना कुछ कहे हुए आगे बढ़ गया। दलीलें पहले ही दी जा चुकी थीं। आज के बड़े फैसले पर देश भर की नज़र थी। मनोज के साथ उसके जूनियर्स की फौज थी। मनोज बार बार अपने मोबाइल में शेयर मार्केट में उस शेयर के रेट चेक कर रहा था। शेयर लगातार गिरे जा रहा था। देश की 3रे नंबर की सबसे बड़ी कंपनी का ये हाल होगा किसी ने सोचा तक नहीं था। जज तय समय पर कमरे में आए। वहाँ जो हलचल थी वो खत्म हो गई। ऐसी शांति पसर गई जैसे कमरे में कोई ना हो। जज ने फैसला सुनाना शुरू किया। देश के सारे चैनलों की निगाहें इसी केस पर बनी हुई थी। ऐसा बताया जा रहा था कि सरकार को इस केस में मोटी रकम मिलने वाली है। फैसला आना शुरू हुआ। जज को ये 5,000 करोड़ की पेनल्टी का फैसला सुनाने में 10 मिनट का समय लगा। खबर बाहर आते ही शेयर मार्केट का रुख पलट गया। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, बाजी कभी भी पलट सकती है। इस कहावत के साथ एक और लाइन जुड़ी हुई थी जो कि इतनी पॉपुलर नहीं हुई। क्रिकेट और कोर्ट के फैसले में भी बाजी कभी भी पलट सकती है। मनोज सालवे जब बाहर निकला तो उसने हाथों को हवा में लहराकर वी बनाया और उसके चेहरे पर चिर परिचित मुस्कुराहट थी। शेयर मार्केट में ऐसा पहली बार हुआ था कि कोई शेयर एक ही दिन में गिरकर फिर पहले वाले स्तर पर तुरंत आ गया हो। कोर्ट ने फैसला कंपनी के पक्ष में दिया, ये कहते हुए कि अगर हम देश में बिजनेस करने में इतनी रिस्ट्रिक्शंस लगा देंगे तो देश का ही नुकसान होगा। मनोज सालवे ने बाहर निकलकर किसी सवाल का जवाब ना देते हुए पहले से तैयार एक स्टेटमेंट को पढ़ा और बिना कोई जवाब दिए निकल गया। उसके मोबाइल पर दुनिया भर के मैसेज थे। सफलता का एक पैमाना ये भी है कि हर कोई आपका दोस्त होना चाहे। आदमी जब हर तरफ से फंस जाता है तो वह अच्छे वकील के पास जाता है। हारे हुए केस जीतना मनोज सालवे की आदत ही नहीं, शौक भी था। अब वह अपने करियर के जिस मुकाम पर था उसको पैसे के लिए काम नहीं करना था, वह अपने मज़े के लिए काम करता था।
मनोज सालवे को अपना वकील रख पाना किसी के लिए आसान नहीं था। क्लाइंट उसको नहीं, वह क्लाइंट को चुनता था। वह छोटे मोटे केस पैसे के हिसाब से नहीं चुनता था। मन किया तो प्राइमरी के टीचरों का केस 1 रुपए में लड़ लिया और सरकार को हरा दिया। कई मामलों में उसका केवल केस ले लेना इस बात की गारंटी होता है कि फैसला क्या होने वाला है। जब वह कोर्ट में दलील देने के लिए उठता तो जज भी अपनी कुर्सी पर पीठ सीधी करके बैठता। मनोज की दी हुई दलीलों को, उसके बोलने के स्टाइल को कॉपी करने में नए वकील अपनी शान समझते। देश की लगभग सभी मैगजीन के कवर पर उसकी फोटो आ चुकी थी। देश के 100 सबसे धारदार व्यक्तियों की सूची में उसका नाम पिछले 10 साल से हिला नहीं था, बल्कि हर साल उसका नाम ऊपर ही बढ़ रहा था। देश का बड़े से बड़ा अभिनेता, नेता और बिजनेसमैन सभी मनोज सालवे के या तो दोस्त थे या होना चाहते थे।